देखते हैं। 5 नंबर, जेड पॉजिटिव में ए और बी के बीच का ऑपरेशन ए का पावर बी द्वारा परिभाषित है, तो दोनों चेक करना है। पहले क्रम विनिमय निकाल लेते हैं। क्रम विनिमय के लिए हमें देखना होगा कि ए ऑपरेशन बी बराबर होना चाहिए बी ऑपरेशन ए के, फॉर ऑल ए बी किससे बिलोंग करना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक जेड से। चलिए देखते हैं LHS लेकर। LHS में है आपका ए ऑपरेशन बी, ए और बी के ऑपरेशन क्या हो जाएगा, ए का पावर बी। अच्छा RHS लो, RHS में है बी ऑपरेशन ए, तो यहाँ देख रहे हैं क्या हो रहा है, पहले वाले के पावर में दूसरा वाला चला जा रहा है, तो यहाँ पहले वाले के पावर में दूसरा वाला, तो ए का पावर बी क्या बी के पावर ए के बराबर होगा, नहीं ना होगा। ए ऑपरेशन बी नॉट इक्वल टू बी ऑपरेशन ए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव। अतः यहाँ कह सकते हैं कि संक्रिया स्टार क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। चलिए अब क्रम विनिमय नहीं है तो अब साहचर्य के लिए चेक करते हैं। साहचर्य के लिए हमें देखना होगा कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर होना चाहिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका LHS। LHS में क्या है आपका ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो इसका मतलब क्या है कि पहले ए और बी के बीच का ऑपरेशन करो तो हो जाएगा ए का पावर बी और फिर ऑपरेशन सी, तो क्या हो जा रहा है यहाँ पे, क्या देख रहे हैं नियम के तहत, पहले वाले के पावर में दूसरा वाला चल जा रहा है, तो पहले वाले के पावर में दूसरा वाला चला गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं RHS। ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो इसका मीनिंग क्या है, पहले बी ऑपरेशन सी यानी कि बी का पावर दूसरा वाला, बी का पावर सी चला जाएगा। अच्छा अब इसका मीनिंग क्या है कि ए का पावर बी का पावर सी, तो दोनों तो सेम ही हो गया ना, तो देख रहे हैं कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव। अतः यहाँ कह सकते हैं कि संक्रिया स्टार साहचर्य है या साहचर्य हो रही है, एसोसिएटिव हो रहा है लेकिन कम्यूटेटिव नहीं हुआ है। चलिए अगला देखते हैं।